नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। और आज जिस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ वो आज थोड़ा सा हटके है, वो बिजनेस आइडिया थोड़ा सा हटके है। अच्छा, छोटा सा हिंट देती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फूल क्यों पसंद है, हम सबको फूल पसंद होते हैं, तो शायद आपके जहन में जो पहला जवाब आएगा कि भाई फूल तो खूबसूरत होते हैं इसलिए हर किसी को पसंद होते हैं, या फिर दूसरा थॉट आपके मन में आएगा कि भाई इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। जी हाँ, फूलों की खुशबू कई बार ऐसे होती है ना कि बस हम कहीं भी ऐसी खुशबू सूंघते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पौधा तो हमारे घर पे भी होना चाहिए था, और हम वहीं से मांग लेते हैं या फिर नर्सरी में जाके खरीद लेते हैं और वो पौधा जो है अपनी क्यारी में या फिर गमले में पॉट में लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन फूलों के ज़रिए आप ऐसी खेती की जो अब इन दिनों ज़्यादा चलन में है, जिसकी तरफ किसान भी रुचि दिखा रहे हैं, वो है फूलों की खेती। और उनमें से फूलों में से एक खुशबूदार फूल होता है रजनीगंधा। तो रजनीगंधा की खेती के द्वारा आप कैसे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं देखिए। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार रजनीगंधा दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल किस्म जिसमें पंखुड़ी एक ही कतार में होती है, दूसरा डबल किस्म। इस किस्म में पंखुड़ियां 3 से 5 कतार में होती हैं। रजनीगंधा फूलों की खेती फरवरी में की जाती है। रजनीगंधा भारतीय जलवायु में अच्छी वृद्धि के साथ फलता फूलता है, जिसके चलते रजनीगंधा खेती लगभग सभी प्रकार के खेतों में की जा सकती है, मगर बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी उपज और अच्छी हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार रजनीगंधा के दोनों किस्म की खेती लाभदायक है, इसलिए चाहिए कि दोनों प्रकार के रजनीगंधा की खेती करनी चाहिए जिससे विशेष लाभ मिल सके। इसकी खेती विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती है। रजनीगंधा फूलों की खेती आमतौर पर रजनीगंधा में 2.5 से 3 महीने के दरमियान फूल आने लगते हैं। रजनीगंधा की अच्छी पैदावार के लिए खेत को ठीक ढंग से तैयार करना और साथ ही खेत में जल निकास पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है। जहाँ दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर ना हो वहाँ पूरे वर्ष रजनीगंधा उगाया जाता है। खेती के लिए 2 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, एक तो क्यारी छायेदार जमीन पर ना हो, दूसरा जल निकास का उचित प्रबंध हो। रजनीगंधा फूलों का रोपण करने का तरीका, पूरे वर्ष फूल प्राप्त करने के लिए 15 दिन के अंतर पर कंद रोपण किया जा सकता है। कंद का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखें कि हमेशा स्वस्थ और ताज़ा कंद की इस्तेमाल करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1200 से 1500 किलोग्राम तक कंद की आवश्यकता होती है। कंद को उसके आकार और भूमि के संरचना के अनुसार 4 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर 20 से 30 लाइन और 10 से 12 सेमी कंद से कंद की दूरी पर रोपण करना चाहिए। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में फसल में 5 से 7 और सर्दी में 10 से 13 दिन के अंतर पर नमी को ध्यान रखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। महीने में कम से कम एक बार खुरपी की मदद से खरपतवार साफ करना या निराई गुड़ाई करना चाहिए। रजनीगंधा फूलों की खेती में सरकार द्वारा सहायता, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा लगातार किसानों और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और आर्थिक सहायता भी कर रही है। प्रदेश सरकार के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा छोटे किसानों के लिए कुल लागत का 50% या 35,000 प्रति हेक्टेयर की मदद दी जा रही है। लाभार्थी को मात्र 2 हेक्टेयर तक के लिए मदद दी जाती है। अन्य किसानों के लिए कुल लागत का 33% या ₹23,100 प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। एक लाभार्थी को मात्र 4 हेक्टेयर जमीन पर ही लाभ दिया जाता है। रजनीगंधा के फूलों का प्रयोग, रजनीगंधा के फूलों की खुशबू लंबे समय तक ताजगी के साथ बनी रहती है, इसलिए इसका प्रयोग पुष्प गुच्छ बनाने में, माला बनाने, फूलदान तथा सजावट के लिए किया जाता है। साथ ही रजनीगंधा का इस्तेमाल इत्र और परफ्यूम बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसके चलते रजनीगंधा फूलों के बाजार में काफी मांग रहती है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।